तस्वीर जब सामने आई थी तो कश्मीर परेशान था, देश हैरान था। आतंकियों का पोस्टर बॉय बना बुरहान वानी कश्मीर की नई पीढ़ी को आतंकी बनाने का ख्वाब सजा रहा था। लेकिन 8 जुलाई 2016 को भारत के सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी को मारकर जो शुरुआत की थी, आज वो अंजाम तक पहुंची है। लतीफ टाइगर के खात्मे के साथ बुरहान गैंग का सर्वनाश हो गया है। लतीफ सोफिया के इमाम साहब इलाके में मुठभेड़ में मारा गया है। उसके साथ तारिक मौलवी और शारिक शेखू भी मारा गया है, तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के साथ। 2016 में बुरहान वानी के खात्मे के बाद पाकिस्तान की शय में अलगाववादियों ने कश्मीर में खूब हंगामा किया था। हालात ये हुए थे कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर तक कह दिया था। इसी माहौल में भारत को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करना पड़ा। ऑपरेशन ऑल आउट अब तक बेहद सफल रहा है। बुरहान गैंग के खात्मे के साथ सेना ने कश्मीर में आतंकियों का चैप्टर बंद कर दिया। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट विचार में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्पेशली वाज एक्टिव सिंस 2014 एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट इन द एरिया। Tariq was instrumental in creating, in recruiting people in the belt. So this was a very good operation. And as I said, that there was no collateral damage.